नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबर की ओर। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में ड्राइवर की हत्या के मामले में रू कपा देने वाला खुलासा हुआ। आरोपी महिला ने पति की हत्या करवाने के बाद बड़े बेटे और दो कसाईयों से शव के टुकड़े कराए थे। इसके बाद धड़ को घर के पास दफना दिया, हाथ और पैर जंगल में फेंक दिए। पुलिस ने धड़ बरामद कर लिया था, लेकिन हाथ और पैर नहीं बरामद कर पाई थी। बता दें, करीब 20 दिन पहले ट्रक चालक कृष्णा उर्फ बबलू की उसकी पत्नी सपना उर्फ सोनू ने हत्या कर दी थी। दोनों कसाईयों से महिला के अवैध संबंध थे। आरोपी महिला और उसका बेटा रिमांड पर है। पुलिस ने कसाई रिजवान कुरैशी और भैयू कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे देव गुराड़िया के नजदीक जंगल में शरीर के दूसरे अंग फेंके हैं। पुलिस को सर्चिंग में खून से सनी प्लास्टिक की थैली तो मिली, लेकिन शरीर का कोई अंग बरामद नहीं हो सका। पुलिस पूछताछ में महिला ने कहा कि उसे घटना पर कोई अफसोस नहीं है, हत्या नहीं तो और क्या करती। हम दिखाते रहे खबर आपको, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।